ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंचों का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को हांसीखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय से सरकार के पुतले की शव यात्रा शुरू की और पूरे शहर में शव यात्रा निकालते हुए प्रदर्शन किया। शहर के बीचों बीच बरसी गेट पर सरकार का पुतला फूंका। सरपंचों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान संजय ने बताया कि आज उनका ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन था, कल हर जिले में डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं अन्य सरपंचों ने भी कहा कि वह पीछे हटने वाले नहीं हैं, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री का ई टेंडरिंग के विरोध में पुतला फूंका है हमारा, जब तक हमारी जायज मांगे हैं ई टेंडर का विरोध करते हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी सरकार हमारे धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। कितने टाइम से आपका धरना चल रहा है? एक महीने लगभग, एक महीने से हमारा धरना जारी है, आगे भी जारी रहेगा। आपकी कोई बड़ी मीटिंग हुई थी रोहतक में, उसका क्या निर्णय लिया गया था? उसमें तो हमारी प्रदेश स्तर की कमेटी बनाई गई थी, कमेटी का यही फैसला था प्रदेश स्तर का, भाई ब्लॉक लेवल पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला फूकेंगे और कल हम 24 तारीख को डीसी साहब को ज्ञापन देंगे जिला स्तर पर। उसके बाद आगे हमारे प्रदेश कमेटी की जो मीटिंग होनी है उसमें जो फैसला लेंगे वो मान्य होगा, उसके हम कमेटी के साथ हैं। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुवारी। ये हमारे हरियाणा की कमेटी का फैसला था, हर ब्लॉक पर इनका इकट्ठा होकर धरना दिया गया है और इनके पुतले फूके गए हैं, खट्टर साहब के और देवेंद्र बबली जी के। हमारी सरकार से एक ही लड़ाई है, पहले भी 20 लाख से ऊपर हमारी पावर थी तो हम और इनसे ज़्यादा कोई टकराव नहीं, हमारा हक है क्योंकि या तो इलेक्शन ही नहीं कराते, इलेक्शन करा दिए तो सरपंच अगर गांव में जाते हैं काम करने के लिए तो इन्हें 2 लाख की वो पावर दी है, 2 लाख में 36,000 GST हो जाए। हम गांव में बिल्कुल चोर हो रहे हैं काम करने के लिए, लोग हमारी कहें या गली बना दे कोई नाली बना दे, 2 लाख में कुछ होता नहीं। इसलिए हमारी सरकार से और कोई ज़्यादा नहीं, हमारा टकराव इतना ही है, हमारा हक है, संविधान में लिखा हुआ है, हम अपना हक मांगते हैं, न कि कोई हमने इससे बहस है। हम भाजपा के ही हैं और भाजपा के अगर हमारा ये काम करेंगे, ई टेंडरिंग को बंद करवाएंगे तो भाजपा ही हमारे भीतर समाई हुई है और आगे भी लाएंगे, नहीं तो 2024 में इनको आईना दिखा देंगे, क्योंकि जब हमारी इतनी नहीं सुनेंगे, वर्कर की नहीं सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे। हमारा तो बस इतना ही कहना है, आज ये बरसी गेट पर आके सभी हमारे प्रधान, जिला प्रधान भी हमारे पास साथ थे और हमारे 81 और 2 के दोनों थे हमारे प्रधान हैं और हमें वहाँ से पुतला लेके आए हैं और यहाँ फूका गया है और हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। ये हमारे सरपंच साहब से बाकी इनसे पूछ। आज आपने काला दिवस मनाया गया? आज काला दिवस, काला दिवस पूरे हरियाणा में सर सुर्खी से जी। काला दिवस कैसे मनाया है? ये ताक दे के जी, खट्टर का, बबली का और क्या नाम है दुष्यंत का जी, कहाँ से वो स्टार्ट किया था आपने? ब्लॉक से जी, ब्लॉक से स्टार्ट किया और कहाँ इसको खत्म किया? ये बरसी गेट पे जी। किस किस का पुतला फूंका गया है? बबली, दुष्यंत और खट्टर। इसके बाद आपका आगे ये लड़ाई तो क्या रही? आगे हमारे जो टोहाना के प्रधान जी हैं सरपंचों के, उनका आदेश जो आएगा उन्हीं के सिस्टम से चलेंगे जी। क्या आपने हाथों काली पट्टी बांध के भी इनका कुछ विरोध किया है? हाँ हाँ बिल्कुल बांध रखी है जी, सबने बांध रखी है, पूरे सारे सरपंचों ने। हाँ जी, और 500 वोटों से जीत के आ रहा हूँ जी, सारे सरपंच न हर कोई है ना, बड़े बड़े है ना वोटों से जीत के आ रहे हैं। गांव मेरा सोरखी है और सोरखी से है ना, मैं हर गांव वाले ना ये सोच रहे हैं कि भी है ना मैं लुके बैठा हूँ, मैं लुके नहीं बैठा हूँ जी, मैं ना अपने गांव के लिए, विकास के लिए ना यहाँ पे धरने पे बैठा हूँ। मैं ना अपने गांव वालों को अपनी तरफ से, आपके मीडिया वालों की तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ, 500 वोटों से जीत के आ रहा हूँ और भगवान ने चाहा ना मैं अपने गांव का विकास करवाऊँगा, ज़रूर करवाऊँगा।